ग्राम पंचायत के प्रधानों के 25 दिसंबर को कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इन 5 सालों में ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों ने शुरू की तो एक के बाद एक कई गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। ऐसे ही एक ग्राम सभा के गांव डेलवल का है, जहां प्रधान और प्रधान सचिव ने मिलकर गाँव में विकास कार्य को छोड़ गाँव में 28 लाख की दुकान बनवा डाली, जिसकी स्वीकृति ना ही जिलाधिकारी से ली और ना ही मुख्य विकास अधिकारियों से ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी रकम अधूरे पड़े निर्माण से पहले ही निकलवा ली गई है। जब इस बात की जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों को लगी तो उन्होंने इसकी जांच जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंप दी, जिसकी जाँच चल रही है। वहीं जब इस मामले को लेकर प्रधान पुत्र अश्वनी चौबे से बात की तो बताया कि मेरे पीछे मेरे विरोधी पड़े हुए हैं, मैंने किसी काम को नहीं गलत तरीके से किया है, गांव के विकास को लेकर ही काम कराया है। इस काम के लिए मैंने अलग अलग दुकानों में बनवाई है, अगर एक काम को करते हैं तब जिलाधिकारी से अनुमति ली जाती है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने कहा कि इस मामले की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO को दी गई है, जिसकी जाँच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे अधूरे पड़े काम का रुपया निकाला गया और गाँव में बनाई गई दुकानों की स्वीकृति क्यों नहीं ली गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है प्रधान और प्रधान सचिव पर। उसमें एक्चुअली जब एक प्रोजेक्ट 5 लाख के ऊपर होता है तो DM साहब के पास जाता है, 5 लाख तक DPRO, 2.5 लाख तक ब्लॉक स्तर तक, एक प्रोजेक्ट 2.5 लाख रुपये का। तो इसमें अलग अलग दुकानें पास की गई थी, अलग अलग दुकानों का निर्माण हुआ है। स्लेब केवल पैसा बचाने के लिए कि अगर अलग अलग स्लेब डराएंगे तो उसमें धागा आ जाता निशान उसमें, जैसे कि एकल कक्ष अलग अलग लोगों ने बनाए स्कूलों में, तो केवल स्लेब हमने एक बार डला दी गई है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट बने, अलग अलग काम हुआ, कोई धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। सारी हमारी जाँच करने के लिए हम तैयार हैं, कोई भी जांच कर ले, जांच हो भी चुकी है, हमारे द्वारा कोई बेईमानी नहीं की गई। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कोई हमारी शिकायत लिखित में नहीं हुई है, केवल चैनल वालों ने जो पैसा मांगने आए थे वो पैसा न देने के कारण उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में निकाल दिया है। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, हमने दुकानें बना दी हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट थे, अलग अलग बाकायदा सारा TS है, जो चाहे वो देख ले। SDM द्वारा परमिशन हमें आज के 3 महीना पहले ही दे दिया गया था। देखिए डेलवल में जो ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की शिकायत आप बता रहे हैं 28 लाख रुपए की, बड़ा अमाउंट है और ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में आता है अगर ये बात सच साबित होती है तो किसी भी प्रधान के खिलाफ जो भी शिकायत होती है वो आप सब लोग अवगत हैं, एफिडेविट में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष की जाती है। फिर एक जाँच अधिकारी जो नामित होता है वो एक इंटरिम जाँच करता है और उसके बाद एक अंतिम जाँच करके रिकवरी या FIR जो भी उस पर दंडात्मक पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनता है वो करवाया जाता है। इस पर्टिकुलर जाँच का हम लोग दिखवा लेंगे, 28 लाख अगर गमन है तो रिकवरी की और वसूली की कार्रवाई की जाएगी और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ये कितने दिनों से लंबित है, किस स्तर पे लंबित है, ये एक जांच का विषय है, इसको दिखवा लिया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक इसमें कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट।